हेलो दोस्तों नमस्कार मैं अमाना सभी का स्वागत है हमारा डे यूट्यूब चैनल में दोस्तों फिर से एक न्यू पोस्टर डिजाइनिंग लेकर आया आऊँ देख सकते हैं आप रिपब्लिश डे का तो इस तरह का पोस्टर डिजाइनिंग करने के लिए अगर अपना फोटो लगा के यहाँ पर डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिए दोस्तों इसके बारे में बताया हमें किस तरह से इसमें फ़ोटो अपना ऐड करके इस तरह का पोस्टर बना सकते हैं रिपब्लिश डे का तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं उससे दोस्तों पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है वहाँ पर एक लिंक मिलेगा जिस पर लिखा होगा रिपब्लिस डे पी एल पी फाइल डाउनलोड लिंक तो उस लिंक पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है इस पी एल पी फाइल तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करके इसका लिंक को डाउनलोड कर लेता हूँ देखिए यहाँ पे मैं लिंक कॉपी करके रखा व्हाट्सअप में तो देखिए ये लिंक है तो देखिए इस तरह से लिखा रहेगा रिपब्लिस डे तो यहाँ पे जो लिंक है इस पर मैं क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद से देखिए कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे ओपन हो तो कोई भी अपना एक जी मेल आई डी पर आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे कोई भी आपको एक जी मेल आई डी सेलेक्ट कर लेना उसके बाद से यहाँ से ओके कर देना है ओके कर देने के बाद से देखिए उस तरह से खुलेगा कुछ आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से ओपन हो जाएगा उसके बाद से थ्री डॉट डॉटल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप इसके ऊपर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ नीचे आ जाना है डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है देखिए यहाँ पे इसका डाउनलोडिंग चालू हो गया आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका डाउनलोडिंग चालू हो गया और ये डाउनलोड भी हो गया यहाँ से ये यह डाउनलोड हो गया उसके बाद से आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है आपको अपना पिक्सर लेब ओपन कर लेना अगर आपके पास पिक्सर लेब नहीं रहेगा तो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो इसको ओपन करेंगे तो ओपन करेंगे कुछ इस तरह से पिक्सल ओपन हो जाएगा तो आपको न्यू टेस्ट को डिलीट कर देना है यहाँ पर और उसके बाद ये थ्री डेट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद इमेज यहाँ पर देख सकते हैं आप ओपन डॉट पी एल पी फाइल लिखा है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद से देखिए आपको ऊपर पी एल पी जो लिखा रहेगा उसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे देखिए पी एल पिल लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद से आपको उस फोल्डर में चला जाना है जिस फोल्डर में डाउनलोड किए हैं आप तो डाउनलोड फोल्डर में सबको पता है कि डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड होता है डाउनलोड फोल्डर को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद से देखिए यहाँ पे नीचे डाउनलोड हो चुका है ये रिपब्लिश डे तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे डाउनलोड हुआ है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से और ओपन एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐड हो गया इस तरह से आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता है देखिए यहाँ पे ऐड हो गया ये पहले से है जब यो अभी ऐड किए हुए है तो इस तरह से ऐड हो गया तो अब आप उसमें फ़ोटो कैसे चेंज करेंगे तो समझ लीजिए आपको इस, इस पर क्लिक करना है क्लिक करने है, है तो कर के बाद जो लॉक रहेगा उस लॉक को हटा दें देखिए फ़ोटो को मैं लॉक किया यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके आपको ये फ़ोटो को यहाँ से डिलीट कर देना है यहाँ से फ़ोटो को डिलीट कर देंगे डिलीट कर देने में आपको यहाँ पे कोई फोटो आपको अपना लगा देना है तो देखिए मैं यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो लगा देता हूँ यहाँ पे तो देखिए मैं यहाँ से ले लेता है पीएनजी में दूसरा फोटो तो देखिए मैं ये वाला इमेज ले लिया यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके और इसको यहाँ पे ला देंगे इस तरह से देखिए इस तरह से आपको भी अपना फ़ोटो जो भी रहेगा इसको यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है उसके बाद से टू बैक पे क्लिक कर देना है इस तरह से क्लिक कर देंगे टू बैक में और यहाँ पे जो मैं लिखा है माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर क्लिक करना है आपको और ये वाला क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद जो स्टाइलिश लिखा है इसके ऊपर क्लिक करके उसको सेव कर लेना है पहले इस तरह से आपको पिक्सल में अपने सेव कर लेना है सेव कर लेंगे उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है ये पेंसिल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है एडिट पे इसके ऊपर क्लिक करना है आपका जो भी भी नाम रहेगा वो नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है देखिए मैं यहाँ आप नाम लिख देता हूँ सिंगर मैं यहाँ पे नाम लिख दिया सिंगर दिनेश दीवाना इस तरह से मैं नाम यहाँ पे लिख दिया और देखिए यहाँ पे नाम यहाँ पे लिखा गया और इस तरह से आपको यहाँ जो नाम लिखा है इसको यहाँ पे ले लेना है और इसका साइज थोड़ा छोटा कर देना है आपको आपको यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए इसको साइज छोटा कर देना है और नीचे अपना जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करके आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर जो भी लिखना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ तो देखिए मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर लिख दिया इस तरह से आपको यहाँ पे जो भी मतलब और कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मोबाइल नंबर एक जो फूल के मैं कमल का फूल जो है यहाँ पर लगाया हूँ अगर आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं यहाँ से और यहाँ पर जो भी मतलब आपको अच्छा चीज़ लगे वहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से जो खाली जगह है यहाँ पर और इस तरह से लिख करके आपको यहाँ पर सेव कर लेना है जो सेव लिखा है जो सेव इमेज तो यहाँ पे सेव इमेज पे आपको क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं यहाँ से इसको सेव कर लेंगे तो ये आपका फ़ोटो ही हो जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सके